आप देख रहे हैं तेज न्यूज नेटवर्क और इस समय मैं खड़ा हूँ बहुत ही पुराने तुलजा माँ भवानी के मंदिर में। ये हजारों हजारों साल पुराना मंदिर है और यहाँ पर नवदुर्गा का माता जी का उत्सव बड़े उत्साह से मनाया जा रहा है। तो कई भक्त लोग यहाँ पर दूर दूर से अपनी मन्नतें मांगने आते हैं। कहा जाता है कि माता जी यहाँ पर तीन रूप बदलती है दिन में, सुबह बाल्यावस्था, दोपहर में युवावस्था और रात्रि में वृद्धावस्था। इस मंदिर की स्थापना राम जी ने वनवास काल के दौरान यहाँ पर की थी और माँ तुलजा भवानी के दर्शन के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पर आते रहते हैं। इस समय हमारे साथ एक यही के भक्त हैं जो आपको बताएंगे कि माता रानी के यहाँ आकर उन्हें कैसा लगा और माता रानी जी का इतिहास कैसा है और वो कब से आ रहे हैं। जय माता दी, हम लोगों का नित्य दर्शन के लिए हम लोग यहाँ पर आते हैं। माँ भवानी का यह मंदिर हजारों साल पुराना है। भगवान राम जब माँ सीता को लेने के लिए निकले थे तब उन्होंने यहाँ पर माँ भवानी की पूजन की थी। अपने यहाँ श्री दादाजी धूनी दरबार जब दादाजी धूनी वाले खंडवा है तो उन्हें भी भगवान माँ भवानी ने यहाँ स्थान पर रोका था, जिससे दादाजी यहाँ पर उन्होंने समाधि ली। माँ भवानी का यह मंदिर सुबह शाम और दोपहर और शाम में तीन रूपों में हमें दर्शन देता है। सुबह कन्या के रूप में, दोपहर में युवावस्था में, शाम में वृद्धावस्था में माँ भवानी हम लोगों को दर्शन देती हैंगी। यहाँ पर प्रातः सुबह 4 बजे से स्नान के साथ दर्शन चालू हो जाते हैं, जो दोपहर में भोग आरती और शाम में शयन आरती के बाद इनकी दर्शन समाप्त होता है। इस समय मेरे साथ तेज न्यूज नेटवर्क और यहाँ पर हम माँ तुलजा भवानी के दरबार में हैं और इस समय हमारे साथ है माँ तुलजा भवानी के भक्त मोनिका जी। तो आज हम इनसे जानते हैं कि आपको यहाँ माँ के दरबार में आकर कैसा लग रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, आफ्टर लॉकडाउन हमें इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन करने का पहली बार मौका मिल रहा है और माता जी का पहला दिन है तो सभी लोग बहुत ही श्रद्धा के साथ यहाँ पर हैं और बहुत सुंदर गरबा कर रहे हैं हम। और आप यहाँ से इतने साल से आ रहे हैं और इस साल मतलब आपके मन में माँ को लेकर क्या उत्साह है, क्योंकि काफ़ी समय से कोरोना महामारी के बाद महामारी के दरबार में हम सबको आने का मौका मिला है, तो हमारे दर्शकों को बताइए और क्या आप महसूस कर रहे हैं माता रानी के दरबार में आकर। मैं तो बाहर रहती थी इंडिया में, तो मेरे लिए तो ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि ये सारी चीज़ें वहाँ हमें कभी करने को नहीं मिलती थी और लॉकडाउन के बाद में पहली बार इतने सारे लोग गैदर होते हैं, इतना सारा हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं। बताया जय माता दी। और इसी तरह की खबरें देखने के लिए हमारे तेज न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।